नमस्कार आप देख रहे हैं महुआ खबर मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर हमारे इस बुलेटिन बिहार झारखंड जिला टॉप में स्वागत है आपका इस बुलेटिन में आपको बिहार और झारखंड की तमाम बड़ी खबरें दिखाएंगे तो चलिए शुरुआत करते हैं ए आई एम आई एम बिहार में 11 सीटों पर लड़ेगी चुनाव तेजस्वी का सीएम नीतीश पर जुबानी हमला बिहार में बीस लाख से ज्यादा मिले फर्जी छात्र पंद्रह मार्च से बीपीएससी थ्री की परीक्षा आयोजित पवन सिंह ने किया चुनाव लड़ने का ऐलान जो मांग पूरी करेगा उसके साथ जाएंगे सहनी बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का सीएम नीतीश पर जुबानी हमला बोले पुराने ख्यालात और रूढ़ीवादी व्यक्ति हैं उनके साथ अपनी क्षमता का मैंने केवल दस फीसदी काम किया बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए ए ने किया ग्यारह उम्मीदवारों का ऐलान सीमांचल की चारों सीटों के अलावा अन्य इलाकों में भी लड़ेगी चुनाव बिहार के सरकारी स्कूलों में 20 लाख से ज्यादा मिले फर्जी छात्र दाखिले रोकने को लेकर सतर्क शिक्षा विभाग अब दाखिले के लिए जमा करने होंगे कई दस्तावेज भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने एक बार फिर चुनाव लड़ने का बनाया मन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी जानकारी बोले जनता से किया वादा पूरा करूंगा आप सभी का आशीर्वाद चाहिए 15 मार्च से होगी बीपीएससी थ्री पॉइंट ओ की परीक्षा सुबह साढ़े नौ बजे से बारह बजे तक आयोजित होगी पहली पाली दोपहर ढाई बजे से शाम पाँच बजे तक होगी दूसरी पाली के के पाठक की सख्ती के बावजूद शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही मोतिहारी में मिले ग्यारहवीं और नवी परीक्षा के प्रश्न पत्र खुले आसमान के नीचे बंडल छाट रहे थे शिक्षक बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर जमकर जुबानी हमला बोला तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को पुराने ख्यालात और रूढ़ीवादी व्यक्ति करार दिया साथ ही कहा कि जब वो नीतीश कुमार के साथ सत्ता में थे तब वो अपनी क्षमता का केवल दस फीसदी ही काम कर पा रहे थे उनके साथ काम करने में उन्हें दिक्कत हो रही थी सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2023-24 में 20 लाख फर्जी विद्यार्थियों का पता चलने के बाद शिक्षा विभाग ऐसे दाखिलों को रोकने को लेकर सतर्क हो गया है 2024-25 सत्र में फर्जी नामांकन रोकने के लिए शिक्षा विभाग ने गाइडलाइंस जारी कर दी है इसके मुताबिक नामांकन विद्यार्थियों के जन्म प्रमाण पत्र अस्पताल या मिडवाइफ पंजी अभिलेख आंगनबाड़ी अभिलेख अभिभावक या माता पिता की तरफ से दिए गए घोषणा पत्र के अलावा विद्यार्थियों के आधार कार्ड पर होगा यानी इन पांच कागजात में से एक कागज़ जरूरी हो होगा बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है इसी बीच आज एआईएमआईएम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने बड़ा ऐलान किया है अख्तरुल ईमान ने कहा कि बिहार में 40 सीटों में से 11 सीटों पर एआईएमआईएम अपने उम्मीदवार उतार रही है सीमांचल की चारों सीटों के अलावा अन्य इलाकों में भी चुनाव लड़ेगी आज चिराग पासवान ने जेपी नड्डा से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया इसके जरिए दावा किया कि बिहार में उनके लिए एनडीए के साथ सीटें फाइनल हो चुकी हैं। चिराग पासवान ने लिखा कि एनडीए के सदस्य के रूप में आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक हुई हमने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में सीट बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है उचित समय आने पर इसकी सूचना दे दी जाएगी भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने एक बार फिर चुनाव लड़ने का मन बनाया है पवन सिंह ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी पोस्ट में उन्होंने लिखा कि जनता से किया वादा पूरा करूंगा आप सभी का आशीर्वाद चाहिए कयास लगाए जा रहे हैं कि पवन सिंह आरा से चुनाव लड़ सकते हैं वहीं इसको लेकर उन्होंने कल मंगलवार को बीजेपी नेता मंगल पांडे से भी मुलाकात की बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी 3.0 की परीक्षा 15 मार्च को पहली पाली में सुबह साढ़े नौ बजे से 12 बजे तक आयोजित होगी जिसमें शिक्षा विभाग के मध्य विद्यालय के वर्ग 6 से 8 के सभी विषयों की परीक्षा होगी जबकि दूसरी पाली में दोपहर ढाई बजे से शाम पाँच बजे तक की परीक्षा होगी बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के के पाठक की इतनी सख्ती के बावजूद शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है मोतिहारी में कक्षा ग्यारहवीं और नवी के वार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र के बंडल खुले आसमान के नीचे फेंके हुए पाए गए वहीं कई स्कूलों के शिक्षक अपने स्कूल कोड के अनुसार प्रश्न पत्र ढूंढने में लगे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में जारी सियासत के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश पर हमला बोला जिस पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जमकर पलटवार किया उन्होंने कहा कि तेजस्वी के कारनामों को कौन नहीं जानता ये लोग नफरत की राजनीति करने वाले लोग हैं और हमेशा अपराधी लोगों को संरक्षण देने वाले तेजस्वी को कौन नहीं जानता है बिहार के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर दो दिवसीय दौरे पर कल दरभंगा पहुंचे जहां उन्होंने भारी सुरक्षा और पुलिस व्यवस्था के बीच महामहिम संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में सीनेट की बैठक में हिस्सा लिया और आपको बता दें कि सीनेट की बैठक में चार अरब से ज्यादा का बजट प्रस्ताव ध्वनिमत से पास कर दिया गया खास बात यह है कि विश्वविद्यालय की आमदनी तकरीबन दो अरब की है यानी दो अरब से ज्यादा का घाटे का ये बजट रहा सीनेट बैठक के दौरान अपने संबोधन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वास ने संस्कृत भाषा के विलुप्त होने पर न सिर्फ चिंता जताई बल्कि संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार और उत्थान के लिए कई उपाय भी बताए उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात कही कि विश्वविद्यालय अपने सभी कामकाज में संस्कृत भाषा का प्रयोग करे ताकि आने वाले समय में यहाँ सभी जगहों पर न सिर्फ बोलचाल की भाषा में संस्कृत में दिखे बल्कि यहाँ सभी तरह के लिखित कामकाज भी संस्कृत में खुद बखुद हो जाए लोकसभा चुनाव को लेकर पेच फंसा हुआ है हालांकि कभी भी चुनावी ऐलान हो सकता है इसी बीच वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने साफ कर दिया है कि मेरे लिए सीट मायने नहीं रखती बस निषाद आरक्षण की मांग को स्वीकार किया जाए उन्होंने कहा कि एक तरफ एनडीए है दूसरी तरफ इंडिया है जो हमारी मांग पूरी करेगा हम उसी के साथ जाएंगे केंद्र सरकार के सी लागू करने वाले फैसले पर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने अपनी प्रतिक्रिया दी सांसद निशिकांत दुबे ने केंद्र सरकार के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि नया राज्य बनाने और विभाजन करने का अधिकार भी केंद्र सरकार के पास है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सी को लेकर बड़ा बयान दिया गिरिराज सिंह ने कहा कि सी से किसी को भी नहीं होनी चाहिए कोई समस्या ये नागरिकता छीनता नहीं बल्कि नागरिकता देता है लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में बीजेपी के सत्रह सिटिंग सांसदों में से कुछ के टिकट कटना तय है ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि बिना टिकट नाम वाले नेताओं की सूची में राधा मोहन सिंह का नाम शामिल है इस फैसले को बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंह ने स्वीकार कर लिया है बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंह के बेटिकट होने की चर्चा पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी राधा मोहन सिंह ने कहा कि पार्टी का जो भी फैसला होगा उन्हें स्वीकार होगा पार्टी उन्हें टिकट ना दे या दे जो भी चुनाव लड़ेगा मैं उसकी मदद करूंगा पूर्व केंद्रीय मंत्री ने वंदे भारत को दिखाई हरी झंडी पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन ने न्यू जलपाईगुड़ी से किशनगंज के रास्ते पटने जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया इस दौरान पीएम मोदी वर्चुअल माध्यम से जुड़े जिसके उद्घाटन के बाद वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के स्टेशन पहुंचते ही लोगों ने जमकर नारेबाजी कर ट्रेन का स्वागत किया आगामी लोकसभा चुनाव में शराब कारोबारियों पर शिकंजा कसने के लिए मद निषेध उत्पाद विभाग द्वारा चेक पोस्ट अभियान चलाया जा रहा है लोकसभा चुनाव के दौरान शराब ग्रामीणों में नहीं बांटी जाए और शराब की बिक्री ना हो सके इसके लिए हर विधानसभा में धावा दल का गठन किया गया साथ ही ड्रोन कैमरे से हर दिन पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में निगरानी की जा रही है भागलपुर एस देश का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी स्टार्टअप इकोसिस्टम बनने के लिए संकल्पित है इसको लेकर आज केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने भागलपुर बरारी स्थित मीराचक रोड में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का फीता काटकर और दीप प्रज्वलित करके विधिवत उद्घाटन किया अब एस के कार्य आज प्रारंभ हो गए हैं बोनकरी के दम पर देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित नालंदा के कपिल देव प्रसाद का इकहत्तर साल की उम्र में निधन हो गया पटना के एक निजी अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली आपको बता दें कि हृदय रोग से पीड़ित थे कपिल देव प्रसाद वहीं उनके निधन से पूरे नालंदा में शोक की लहर दौड़ गई झारखंड की बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के आवास पर आज दूसरे दिन भी ईडी की छापेमारी जारी रही छापेमारी के बाद ईडी की टीम कई दस्तावेज विधायक का फोन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस समेत कई अन्य सामान भी लेकर अपने साथ चली गई कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने ईडी की छापेमारी खत्म होने के बाद बीजेपी पर राजनीतिक कारणों से परेशान करने का आरोप लगाया और कहा कि मैंने हजारीबाग और चतरा से चुनाव लड़ने के लिए इंकार कर दिया इसलिए बीजेपी के इशारों पर केंद्र सरकार की एजेंसियों का दुरुपयोग कर चुनाव लड़ने का दबाव बनाया जा रहा है हमारे इस खास बुलेटिन बिहार झारखंड जिला टॉप में फिलहाल इतना ही मुझे दीजिए इजाजत आप देखते रहिए मकुआ खबर नमस्कार